हम लोग मोल कंसेप्ट का पहला पार्ट जो था वो ख़त्म किए कि मोल को नंबर के टर्म में कैसे समझें, मास के टर्म में कैसे समझें और वॉल्यूम के टर्म में कैसे समझें। यहाँ तक हम आप लोग को अभी तक में बता दें। अब दूसरा पॉइंट पढ़ाते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं केमिकल कैलकुलेशन। ये मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है, केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन हम लोग तीन हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मोल टू मोल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मोल टू मोल रिलेशनशिप। जैसे कोई कहे कि एन टू प्लस थ्री एच टू इक्वल टू टू एन एच थ्री है, ठीक है, तो कोई बोले कि अमोनिया का दो मोल और इसका एक मोल ले तो इसका कितना मोल बनेगा। अमोनिया का दो मोल और इसका एक मोल ले तो इसका कितना मोल बनेगा, बना के सब लोग दिखाइए। तो अमोनिया का दो मोल और हाइड्रोजन का एक मोल लेंगे तो NH3 का कितना मोल बनेगा। जैसे कि आपके घर में भी मान लीजिए कुछ बनता है, जैसे कि आलू पराठा बनता है, मान लीजिए आलू कम है और आटा ज़्यादा है तो कितना आलू पराठा बन पाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? आलू, क्योंकि आलू ख़त्म हो जाएगा तो आपका आलू पराठा बनना बंद हो जाएगा। इसमें जो प्रोडक्ट का डिसाइड कौन कर रहा है, जो कम अमाउंट में है, और जो कम अमाउंट में स्पीसीज होते हैं उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग। तो जब किसी रिएक्शन में मोर देन वन कंपाउंड रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट का डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जब तक आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं है आप कभी भी क्वेश्चन को बना नहीं सकते। तो पहला चीज है कि हम कैसे पहचाने कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, समझे कि नहीं? जैसे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचाने का, देखिए पहचानने का तरीका है, LR को पहचानने का तरीका है गिवन मोल को इस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें। गिवन मोल को इस रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किए, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये था, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल को रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किए, इसमें से जो छोटा वैल्यू आया वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्या हो गया? मतलब कि अब इन दोनों में से जो प्रोडक्ट का डिसीजन होगा किनके द्वारा? इनके द्वारा। तो अब इस कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं है। अब हम फिर कहाँ जाएंगे? रिएक्शन पर। हम कहाँ जाएंगे? रिएक्शन पर। और रिएक्शन में हम देखेंगे कि फ्रॉम द इक्वेशन या रिएक्शन जो भी लिखें इट इज क्लियर दैट इट इज इट आर इट इज क्लियर दैट थ्री मोल ऑफ एच टू गिव्स टू मोल ऑफ एन एच थ्री। तो एक मोल कितना देगा? टू बाय थ्री। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? एक ही मोल दिया हुआ, तो एक ही बार में आंसर ही हो। अब देखिए जैसे कि हम मान लीजिए रिक्शा बेचते यदि रिक्शा समझते हैं ना, ऑटो रिक्शा, मान लीजिए बॉडी हम अपने घर में बनाते हैं, हम रिक्शा बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए बॉडी हम अपने घर में बनाते हैं और पहिया हम किसी कंपनी से लेते, पहिया हम क्या कहते हैं 10 रहता, बॉडी एक रहता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? बॉडी मान लीजिए वो कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं, 4 बॉडी रहता और पहिया 10 रहता, तब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? पहिया। क्यों? क्योंकि इनका खपत क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि इसको बॉडी का कितना जरूरत है? एक। लेकिन पहिया को हर रिक्शा में कितना चाहिए? तीन। तो ये 4 पूरा नहीं कर पाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में देखना, ये नहीं कि इसका 4 है इसको ये है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, नहीं, ज़्यादा होते हुए भी लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि इनका खपत ज़्यादा है। मतलब कि यदि हर बॉडी को 3 पहिया चाहिए ना, तो ये 4/1 करिएगा, ये 10/3 कहिएगा, तो स्मॉल वैल्यू कौन हुआ? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? बात समझे आप कंसेप्ट?
कि लिमिटिंग एजेंट पहचानना जब तक नहीं होगा तब तक हर बार नीट में क्वेश्चन आता है, लड़का गलत बना कहता है, कभी वॉल्यूम का टर्म देता है, कभी मास का टर्म देता है, रहता है सर लिमिटिंग एजेंट। कि किसी रिएक्शन में मोर देन वन कंपोनेंट का यदि आपको दिया हुआ है वॉल्यूम, तो प्रोडक्ट वही डिसाइड करेगा जो लेसर अमाउंट। इतना समझना, लेसर पहचानने का तरीका क्या है, उसके मोल में रिएक्शन के कोफिशियंट से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू छोटा होगा वो लिमिटिंग एजेंट है। मतलब कि जब अब फर्दर हम रिलेशनशिप लिखेंगे तो इनका रोल ख़त्म हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखेंगे। पहले रिलेशन नहीं जानते तो दोनों के बीच में रिलेशन लिखना पड़ता है। लिमिटिंग एजेंट हमको बता देता है कि ये बेकार का चीज़ है, बस इस पर फोकस कर, ये बेकार का चीज़ है बस इस पर फोकस कर। कुछ समझ में आया? तो ये क्वेश्चन समझ गए ना, देख लेते हैं क्वेश्चन से, चेक कर लेते हैं। व्हेन थ्री मोल ऑफ पी रिएक्ट्स विथ टू मोल्स ऑफ क्यू टू प्रोड्यूस PQ3 P+3Q = PQ3। ये एम्स का पूछा क्वेश्चन। व्हेन थ्री मोल ऑफ पी रिएक्ट्स विद टू मोल ऑफ क्यू टू प्रोड्यूस PQ3 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PQ3 प्रोड्यूस्ड विल बी PQ3 का कितना मोल प्रोड्यूस हो। देखिए दिमाग को स्थिर करिए, कितना आंसर? 2/3। एक बच्चा का आया है 2/3। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, P+3Q क्या मिलेगा? PQ3। ठीक है, ध्यान इधर रखिए बउआ, इधर देखिए, इसका गिवन मोल कितना है? 3। इसका मोल कितना दिया हुआ है? 2। ये हुआ नंबर ऑफ मोल गिवन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन। अब हमको निकालना है लिमिटिंग एजेंट, तो गिवन नंबर ऑफ मोल बटे रिएक्शन कोफिशियंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। रिएक्शन को जब तक बैलेंस नहीं करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया, तो ये करेंगे तो क्या होगा? 3/1 कहेंगे 2/3, तो ये स्मॉल वैल्यू हो गया। इतना समझ में आया? स्मॉल वैल्यू हो गया मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम द रिएक्शन इट इज क्लियर दैट, क्लियर रहे ना रहे लेकिन डायलॉग आपको लिखना ही होगा। और ये डायलॉग कहता है कि 3 moles ऑफ क्यू गिव्स 1 mole ऑफ बोलिए PQ3। तो 1 mole कितना देगा? 1/3। तो 2 mole कितना देगा? 2/3। हल्का फल्का यदि समझे होंगे तो एक क्वेश्चन आप एग्जाम में बना दीजिए। एग्जाम में किसका कितना मोल दिया हुआ है आपको, उसको इस टेक्निक से बनाना है, आसानी से आप बना दीजिएगा। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा बताएगा, जिसको नहीं समझ में आया उसको बताएंगे। समझ में आया आपको बुआ? आया है आपको? ठीक बुआ, आपको ठीक है बेटा जी? तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा सो देखिए। When C reacts with carbon react with CO2, it produces carbon monoxide. Then find the number of moles of CO2
produced when 3 mole of carbon reacts with 4 mole of CO2. When C react, charcoal react कर रहा है CO2 से to produce किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन CO2 से रिएक्ट किया, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि C का मोल कितना दिया क्वेश्चन में, बोलिए. और इसका 4 मोल है, ध्यान से समझिए. तो अब हम इसमें हमको सावधानी ये बरतना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट अपने डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है. तो 1 मोल कार्बन से 2 मोल CO मिल रहा है, इसलिए 3 मोल से कितना मिलेगा, बोलिए. कुछ लोग गलत किए क्योंकि वो कलम नहीं चलाए, वो कलम नहीं चलाए. समझ आ रहा बात ना? कलम इसीलिए भगवान सबको पकड़ा है भाई. कुछ तो बात होगा कि कलम को कुछ खासियत तो होगा, नहीं तो कलम का आविष्कार ही नहीं होता. सिंपल क्वेश्चन में फंस जाता है लोग, है कि नहीं? आप नीट का एग्जाम दिए होंगे, पूछा, देखिए समझिए, पूछा क्वेश्चन क्या, सो देखिए कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड. व्हेन 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ, पहला चॉइस है 2 मोल, दूसरा चॉइस है 5 मोल, तीसरा चॉइस है 2.5 मोल, चौथा चॉइस है नन. ये पुराना क्वेश्चन का पार्ट है, इसको मिटा देते हैं. कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन हो या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, तो उनका कंबसन रिएक्शन लिखना एक कला है, क्योंकि कंबसन रिएक्शन में जनरली CO2 और H2O निकलता, सल्फर होता तो SO2 निकलता है, समझे. तो आप लोग चोर सब सुने होंगे, पहले आपको कार्बन बैलेंस करना पड़ेगा, 2 कार्बन है इधर, तो होगा फिर H को बैलेंस होगा, 6H है इधर, 3 एटम है इधर, 4 एटम है, 7 में से 1 इधर है, ये H3. बैलेंस करने के लिए चोर को याद रखिए, पहले चोर R मतलब रिमेनिंग कोई एटम बचे तब याद रखिए. यदि इससे थोड़ा सा भी उल्टा करिएगा तो कभी सही नहीं बनाइएगा, कभी सही नहीं बनाइएगा, क्योंकि सिस्टम से चलिए. पहले आपको कार्बन बैलेंस करना है, तब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तब कोई रिमेनिंग एटम है तब उसको बैलेंस. समझ आ रहा बात? तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस नहीं करिएगा तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बैलेंस ही रिएक्शन पर तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है. तो अब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहा, अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं. क्या कह रहा है, कितना मोल है कार्बन का, इसका इथाइल 2 मोल है, 2/1 3/5, छोटा कौन हो गया ये बोला, समझ रहे ना. जब छोटा हो गया ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3 मोल O2 कितना देगा, बोलिए, 2 मोल ऑफ CO2. तो 1 मोल कितना देगा, 2/3, और कितना मोल है, 5 मोल है, तो 2 × 5/3 दैट इज 10/3. यही आंसर, लिखिए क्वेश्चन. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंबसन ऑफ फिनोल. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंबसन रिएक्शन ऑफ फिनोल. कंबसन रिएक्शन ऑफ फिनोल, देखिए फिनोल बोला मतलब ये फिनोल. फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, इतना दूर का फॉर्मूला होता है C6H5 EOH प्लस O2 इक्वल टू CO2H2 CO2H2, ठीक.
ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया है कि इस फार्मूला में इस रिएक्शन को लिखेंगे तो एक तरह से ये क्या है, सी सिक्स एच सिक्स ओ प्लस ओ टू सी ओ टू एच टू सी सिक्स, यहाँ पर भी सिक्स हो गया, एच यहाँ पर सिक्स है, तो यहाँ क्या लगेगा थ्री, तीन एटम, इधर कितना हो गया बोलिए, हाँ कितना हुआ, तीन एटम इधर और 12 एटम इधर, 15 एक इधर है, ये है, ये चीज का ध्यान रखिए, समझे, एक एटम तो हमारे पास इधर है, सतर्क नहीं रहिएगा गलत हो जाए, साइंस सतर्कता का ही पढ़ाई होता है और कुछ नहीं, सतर्क नहीं रहिएगा साइंस नहीं पढ़ सकते। आर्ट्स तो है वो कि कहते हैं मेमोरी का पढ़ाई है, कला का पढ़ाई है, मतलब आपका टेक्निक्स है, साइंस में मेन जो चीज़ फोकस है वो कॉन्शसनेस पर है, चेतना पर है, कितना आप सजग है, समझ रहे, इसलिए सजगता बहुत जरूरी है, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए जब इसको सब साथ करिएगा तो ये हो जाएगा सी सिक्स एस सिक्स ओ टू प्लस ओ टू इक्वल टू सी ओ टू एच टू ओ, सी सिक्स सिक्स एच सिक्स, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा थ्री, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तीन एटम 12 एटम, 2 एटम ऑलरेडी है, समझ रहे मेरे बात, ओ सी सिक्स, हाँ सही लिखा सी सिक्स, ठीक है, 7 CO2 हो गया, ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखें यहाँ पर कितना हो गया, तीन एटम और इधर कितना हो गया, और यहाँ पर दो गो यहाँ पर है, ठीक है, तो टोटल से तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2। इसके लिए आते हैं, इसको आप इस चीज़ पे लिख के या लिख सकते हैं सी एच टू ओ टू प्लस ओ टू सी ओ टू एच टू, यहाँ पर सी से तो है, एच का क्या है, ऑक्सीजन एटम इधर एक है, इधर कितना है, तो तीन है, पूरा तीन हो गया, इधर कितना है, दो है, ठीक है, अब इसके लिए तो आप सब जानते ही हैं, इससे तो बहुत पॉपुलर रिलेशन है, सी सिक्स सी ओ टू और सिक्स एच टू होता है ना, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए सी ओ टू बनाना है तो 12 हो जाएगा, एच क्या है 22 है, तो यहाँ पर क्या होगा 11H2, इधर हो गया 11 एटम, इधर कितना एटम हो गया बोलिए, इधर कितना हो गया, ऑलरेडी 12 है ही, 11 एटम इधर इसका बैलेंस हो गया, तो 12 के लिए आपको कितना देना पड़ेगा बोलिए, देखिए फिर से समझिए, कार्बन 12 था कार्बन बैलेंस के, हाइड्रोजन 12 था 22 था, तो 11 लगा दिए, तो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर 24 एटम, तो कितना हो गया उसमें से, इससे लेवल घटक गया तो 12 ही बचा, तो इस तरह से फटाफट बैलेंस करने का तरीका जो है हम बता दिए हैं, आप उसको आराम से लगाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, सही बना खाइएगा, हड़बड़ाइएगा थड़थड़ाइएगा कुछ नहीं करिएगा, उससे अच्छा तैयारी नहीं कीजिए, सबको हम तैयारी करने से ही मना करते हैं, बहुत बच्चा आता है हम देखते हैं कि पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकता है, तो काहे झूठ मूठ दबाव कर, जो बच्चा रिलैक्स होकर धैर्य से काम करेगा वही कम्पीट कर पाएगा, कहाँ पर, ये 3 नंबर में, हाँ कितना है 6 और 2, हाँ ये तो सब जानबे करता है इक्वेशन, तो बच्चा से बूढ़ा तक सब जान सकते हैं, हमको लगा कि आप लोग सब जानते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में ही रिएक्शन होता है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बता देते हैं, क्वेश्चन है व्हेन 0.1 m 100 ml सॉल्यूशन ऑफ ई रिएक्ट्स विथ 0.2 m 200 ml ऑफ बी टू प्रोड्यूस ए बी टू, then find the number the
वॉल्यूम ऑफ ए वी टू प्रोड्यूस्ड विथ मोलारिटी 0.1 एम। बताइए अब बात थोड़ा सा घुमा दिया गया, अभी हो गया कंपटीशन लेवल का बात। अब इसको वही बताएगा जिसको कि थोड़ा मोड़ा ऊपर लेवल से पढ़ा है। जब भी कभी किसी चीज़ का वॉल्यूम और मोलारिटी लिया हुआ हो, तो यदि किसी लिक्विड का मोलारिटी पता हो और उसका वॉल्यूम इन ml पता हो, तो मिली मोल निकलता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो मिली मोल किसका, मिली मोल ऑफ ए निकल जाएगा कितना, 0.1 × 100 10। उसी तरह मिली मोल ऑफ बी निकल जाएगा कितना बोलिए, 0.2 × 200 कितना हो जाएगा बोलिए, ठीक है कितना हो जाएगा। अब हमको पता चल गया, अब हम रिएक्शन को लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ए बी टू बनाना है, तो ए प्लस टू बी गिव्स ए बी टू। अब इसका मिली मोल ए का कितना है 10, अब बी का कितना है 40, तो 10/40/2 कितना हो जाएगा 20। यहाँ से क्या सीखे कि लिमिटिंग रेजेंट यहाँ पर कौन होगा, ए, इसके बाद भी क्या है ए। अब हमको पता चल गया है एक मोल ए से एक मोल ए बी टू मिल रहा है, तब इसके इसका कितना मोल है क्वेश्चन में बोलिए, 10 मिली मोल है, तो इसका भी कितना मिलेगा 10 मिली मोल। अब यहाँ पर क्वेश्चन चलाकी कर दिया है कि आपको पूछ रहा है कि मिली मोल पता है, तब हमारे पास 10 मिली मोल है, वो क्या होगा वॉल्यूम इन ml इंटू मोलारिटी। यहाँ से हमसे वॉल्यूम इन ml पूछा है, तो 10/molarity 0.1 तो आंसर यही होगा, क्योंकि इस बार हमसे मोल नहीं पूछ के हमसे क्या पूछा, वो वॉल्यूम बताइए जिसमें इतना होगा। तो फिर हम उसको फिर इक्वेट करेंगे वॉल्यूम इंटू मोलारिटी से, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। ये भी लिमिटिंग रेजेंट ही है, परीक्षा में लगेगा करिए कहाँ से पूछ दिया, मोलारिटी का क्वेश्चन, मोलारिटी का क्वेश्चन नहीं है, लिमिटिंग रेजेंट का कंसेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन नीटर में खूब पूछता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मिली मोल कैसे निकलता है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोल कैसे निकलता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो हम यहाँ मिली मोल यूज किए, क्योंकि हमको वॉल्यूम इन ml नहीं निकालना था, इसलिए हमने मिली मोल कंसेप्ट यूज किया। समझे बात। तो पहला पॉइंट मेरा समाप्त होता है मोल टू मोल रिलेशनशिप। अगला दिन होगा मास टू मास रिलेशनशिप। हेडिंग दे दीजिए मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू मास रिलेशनशिप, मोल टू मोल रिलेशनशिप खत्म हो। ठीक है, ये क्वेश्चन को बढ़िया से उतार लीजिएगा, ये से दो तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट।